पापा मम्मी तुम तो कभी बेइज्जती कराए थे हैं पापा से रोटी पकवाए थे अभी हमारे देवर जी आए हैं हमें कला हुआ नींबू देने के लिए कह ये देखियो ओहो मुंह में पानी आ गया ओहो हेलो दोस्तों मैं हूं अलका राणा आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ मड़वा रोटी ये देखिए ये रही मड़वा रोटी वो भी मिक्स आटे के साथ और भिंडी देख रहे हो आप मम्मी जी ने बनाई है ऐसी भिंडी बनाता है कोई बताओ कमेंट करके बता देना। तो हमारे पति देव काम कर कर आए हैं और खाना खा रहे हैं दो दो सब्जी ले रखी है भैया बहुत बढ़िया मजे है। और यहाँ पर मम्मी जी बना रही है मूंज का डलवा और मम्मी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एक हमारे लिए भी बना देना एक हमारे हाँ ये बता दो ये कितने रुपए के हैं ये डलवा ये जी हाँ ठोस वाले भैया महंगे हैं कितने दे दिया बता दियो हमारे जा रहे हैं तीन तीन चार चार सौ ऐसे जा रहा है ये 300 400 तक के जा रहे हैं वैसे सात आठ सौ से नीचे के ना इतना छोटो और का जे जा रहे हैं तीन तीन सौ के चार सौ के हल्का वो भी तीन तीन चार चार सौ के आपको बताती हूँ ठीक है। ये देखो कैसा बिना हुआ है ये देखिए गैपिंग गैपिंग करके है देखिए तो ये 300 400 का जा रहा है तो ये तो बिल्कुल घना है तो ये कितने का जाना चाहिए अब भाई मुझे भी नहीं पता अब वो मम्मी जी बता सकती है वैसे बनाओगे कोई डिमांड करेगा तो कहो तो बना देंगे। देखो मम्मी जी कह रही है कोई डिमांड करेगा तो बना देंगी आप बता देना कमेंट करके जो चाहिए जो बना रहा कि तुम दिमाग पता चलो धोखा मत दे देना मम्मी जी ने बना दिया और हमने लिया ही नहीं बताओ तुम कितने की देगी फिर भी अपनी मेहनत के हिसाब से मेहनत से तो मैं 8-9 हज़ार से नीचे ला दूंगा। अरे अब ये कह रहे अरे हम कहीं और से ले लेंगे तो 2 रुपए की एक है हाँ ये जो मूंज है ना है। वो 2 रुपए की एक मूंज है तो इसमें अब कितनी मूंज लग जाएंगी वो पता नहीं अब तो कितनी लग जाएंगी तो वो भी तो औसत भी तो निकालना है ना 2 रुपए की 80 रुपए रंग लाओ तो रंग आओ लकड़ी जलाओ रंग आओ अरे हाँ भैया मेहनत तो कितनी है और फिर एक एक जगह बीनो बिगड़ा मारो तो फटाफट बिन जाते हैं हाँ ये ऐसा वाला लोगे तो 300 400 में मिल जाएगा ठीक है ओके बता देना फिर। तो अभी हमारे देवर जी आए हैं हमें कला हुआ नींबू देने के लिए कह रहे बहुत तीखा तीखा है ये देखियो ओहो मुंह में पानी आ गया और कोई खाओ ना बस आपने दो ही है तुम्हें क्या खा गए तो उठा ले तुम्हें और छोड़ जाओ अरे यार नीचे पकड़ा दो तीखा भी बहुत है और अच्छा भी लग रहा है और खट्टा भी बहुत है। ये आ गए हमारे पति देव बार बार बोलते हैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ बहुत हार्ड वर्क करता हूँ वीडियो बनाओ जरा अच्छी अच्छी अब बनाए क्या यार ये देख रहे हैं अब कहीं बाहर जा सकते तो बाहर जाते पैसे भी तो होने चाहिए ना पैसे कमा रहे हैं पैसे कमाएंगे तो जाएंगे ना पैसे के तो पैर हैं तो लाते रहे ला तो रहे हो चलाकर आते धीरे से हैं चाहते दौड़ के भाई 3 मंजिल के ऊपर चढ़कर आए हैं आ ऊपर आना जाना आना जाना आ जाओ अंदर आ जाओ हाँ दादा बनाई ये देखती रहती है ये अलका कुमाऊनी आप देख सकते हैं ये तो बार बार कहती है दादा बनाई दादा ने बनाया अच्छा तो अभी अभी आई मेरी ननद रिया जो कि देखकर गई है मुझे ये पेड़ और चिड़िया बनाने के लिए ये हमने कर दिया कंप्लीट कैसा लगा कमेंट करके बता देना। ये रही चिड़िया रानी ये रंगी हुई है ये बिना रंगी हुई है मेरे से बोला ऐसे ही बना देना किधर है मम्मी हाँ
ये रिया आ गई अपनी कॉफी लेने के लिए। लो आपका बन गया है, कौन बताओ कैसा बना है, जल्दी देख के। अच्छा बना है। अच्छा है हाँ। और कलर तो नहीं है? कलर घर में है ना। ओए साबुन भरा गया, खत्म हो गया वो ना पता। साबुन खत्म हो गई है, देख रहे हैं खिड़की से मुझे कहने आए दिन में थी ना साबुन। और ये डर गई देख के। अभी ये जस्ट नहा कर आए हैं, वैसे बाल सुखाने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन थोड़ी खांसी जुखाम सब कुछ हो रहा है तो सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा देखिए अड्डा में, और ये रहा सुखाने वाला जो कि नोवा का है, सस्ता वाला। वैसे बहुत दिन से ये निकला नहीं था, लेकिन आज निकाल रहे हैं इनके बाल सुखाने के लिए। गरम गरम हवा आई, ये बंद हुआ, मजा आ रहा, बैठ ना पा। भाई वैसे तो हमने कभी कभी नहीं पहले किया था यूज, जब नया नया लिया था तब किया था यूज, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं करती मैं। आज इन्होंने मजे लिए, और मैंने सोचा कि अंदर रखा हुआ है, मतलब सिंगारदानी के वैसे ही अंदर किए। लॉकअप बारे में कब निकाला था? परसों मुंह पे रख दो, मुंह पे रख दो ना। बताऊं क्या कह रही थी मैं, हाँ जो हमारी तार है डालने वाली कपड़े, तो उसमें चीटियां जाती है, इतनी छोटी छोटी चीटियां जाती हैं। अब वो सूख जाते हैं कपड़े, हम अंदर लेकर आते हैं और कपड़ों में लग जाती हैं, तो ये नंगे बैठे हुए हैं क्योंकि इस कपड़े में था, तो इतनी छोटी सी चीटी थी जो कि काट दी है। मुझे भी बहुत सारे काटे थे, एक यहाँ पर भी काटा था, बहुत परेशान है यार इतनी छोटी छोटी चीटी से। अरे ऐसे कर देंगे ना, तार में लक्ष्मण रेखा लगा देंगे, पूरी तार लक्ष्मण रेखा से नहीं आएंगी, यही करना पड़ेगा जुगाड़। एक दोस्त बहुत अमेजिंग बात है, आप पता ही है हर महीने में नहीं बनाते, सभी को पता ही है, तो हम खाना नहीं बनाने वाले हैं, तो हमारे क्योंकि मम्मी कहीं गई है बाहर, तो पापा जी रोटी बना रहे हो जो कि आपको दिखाती हूँ। पापा अच्छा नखरे दिखा दी है मम्मी खाना बनाने से, बहुत नखरे हैं, सर्दी जुकाम हो गई, खांसी हो रही है, भात ही भात, भात ही भात, इसीलिए खुद ही रोटी। बस रोटी तो बहुत अच्छे बना रहे हैं, खुद ही बोना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मम्मी ने बेइज्जती खराब करा दी है। चलो मम्मी के पास जाते हैं हम, इससे बढ़िया अपने हाथ सही। ठीक, और रोटी खाना जरूरी है ना सर्दी जुकाम खांसी। ठीक है, वैसे मम्मी ने सब कुछ बना दिया था, मुझे नहीं पता था कि पापा रोटी बना लेंगे अपने आप ही, क्या करूं। चलो अब चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी तुम तो कभी बेइज्जती कराए थे हैं, पापा से रोटी मंगवा रहे हो, मामा खाने से आ रहा है, तो तुम तो हवे, तुम तो कह रहे हो कि का ना मेरा रोटी खाइयो खाइयो ना, तो मत खाइयो मो ना ना ऐसा ही कर, मोको आके दे मो खान का, मैं खाने जा रहा हूं, तो रोटी तो तुम कौन से ना खाए रहो, तो मैं आज में खाना पकाए दूं, दर भात है। बताओ इतनी बेइज्जती खराब, आज बनाई पापा ने रोटी। मम्मी कह रही है कि अब मेरी बेइज्जती खराब होगी, दीदी उदी देखेंगी कि मेरे भैया से रोटी उबा रही है। ताऊ देखेंगे, ताऊ भैया वाले। अच्छा कि फिर भैया रोटी पुआ रहे हो प्रताप से? मुझे हाथ से बिल्ला से कभी पतरी पहुंचे था, पता ही फूल जाता। ये मेरी भाई वो कहाँ गई है?